हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरा पूरा परिवार एकदम स्वस्थ होगा और एकदम मस्त होगा। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल एसेट यू हैव। जी हाँ, समय ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो अपने समय को अच्छे कामों में लगाइए, किसी की मदद करिए, कुछ अपने लिए अच्छा करिए, कुछ दूसरों के लिए अच्छा करिए और बस इसी तरीके से किसी की मदद करते हुए चलते रहेंगे तो बस जीवन अच्छे से और खुशी से कटेगा और अपने मन में भी एक संतुष्टि सी रहती है कि हाँ, हम किसी के काम आ रहे हैं। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज की वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। फिर मैं हूँ बबीता और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो जी, ये शाम का समय हो रहा है, बच्चों को दूध देने के बाद, अपनी चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ डिनर की तैयारी करने। और बस मैंने दाल धोकर चढ़ा दी है और आज मैं खाने में बहुत ही सिंपल सा दाल और रोटी बनाने वाली हूँ। तो बस यहाँ मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ और साथ ही साथ फिर मैं आटा भी लगा लूँगी। तो दाल मेरी बन के रेडी हो गई है और उसके बाद जस्ट मैं रोटियाँ सेक लूँगी। देखिए, डिनर वगैरह हमारा हो गया है और डिनर करने के बाद ना मैंने किचन साफ़ कर दिया था। फिर उसके बाद मुझे एक मेरा ना काम पेंडिंग था किचन का ही। एक्चुअली मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि कुछ मसाले ना मैं साबुत मंगाती हूँ और उनको फिर मैं घर में ही पीसती हूँ। तो मेरी लाल मिर्च ख़त्म हो रही थी और फिर ना ये 8-10 दिन से मेरा पेंडिंग था और मैं ना कैसे काम चला रही थी कि हरी मिर्च तो डालते ही हैं सब्जी में, तो जहाँ मुझे लाल मिर्च लगता था कि ज़रूरी है तो वहाँ पर ना मैं एक दो बस ऐसे कैंची से काट के और बस तड़के में या जैसे भी सब्जी बनती है उसमें डाल देती थी। तो मेरा ऐसे चल रहा था बट मिर्च बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी निपटा ही लेती हूँ साथ साथ। और यहाँ पर मैंने सांसा को भी साथ में इसका ओरल को सुनने के लिए बिठा लिया है। तो जब मेरे को ऐसे कोई काम रहता है और मुझे समय नहीं लगता कि मैं कंटिन्यू सायका को बैठ के पढ़ा पाऊँ तो बस फिर मैं उसको अपने पास बिठा लेती हूँ और उसे कुछ ओरल या रीडिंग कुछ करवाती रहती हूँ। यहाँ पर ना मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि वैसे तो हम लोग सब रेडीमेड ही चीज़ लेते हैं, कोई भी चीज़ होती है, लेकिन आप ना एक बार घर में कोई भी मसाले पीस के एक बार ट्राई करिए तो उससे ना खाने का स्वाद डबल ट्रिपल हो जाता है और बिल्कुल खाने में ना एकदम मार्केट जैसा ही टेस्ट आता है। तो आप लोग अगर ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले मैं भी मार्केट से ही लेती थी बट अब मैं घर में पीसती हूँ, अब तो कई सालों से मैं घर में ही बनाती हूँ इसको। तो बिल्कुल सोते समय जब मैं एकदम किचन की लाइट ऑफ करने जाती हूँ तो बस समय पर मैं मिर्ची पीस के रख देती हूँ और इस जार को हम अभी नहीं खोलेंगे। और देख रहे हैं ना आप लोग दोस्तों, मैं कैसे डाकू बन के आई हूँ ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि मैं मिर्च का पाउडर बना रही हूँ तो छींक ना आए इस वजह से मैं इस अपना फेस कवर कर लेती हूँ। तो देखिए, बस ये अगले दिन की सुबह हो गई है और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद और चाय वगैरह पीने के बाद मैं मिर्ची के जो पाउडर है वो उसको मैं डब्बे में डाल के रख दूंगी। और बस साथ ही मैं ना मेरे डब्बे में गुड़ ख़त्म हो गया था कि अभी आजकल सर्दियां चल रही हैं तो गुड़ बहुत यूज़ होता है, मैं चाय वगैरह में भी यूज़ करती हूँ, तो बस वो गुड़ मैं उस डब्बे में डाल के रखूँगी। तो बस मैंने ये डब्बे में गुड़ भरा है और उसके बाद किचन का काम हो गया। और देखिए, मैंने ना अपनी किचन की छोटी सी मेरी खिड़की है तो जब सुबह धूप आती है ना तो मैं उसको खोल देती हूँ। तो ऐसा वैसे कहते भी है ना कि जहाँ धूप आ जाती है तो वहाँ पे बस फिर जर्म्स नहीं आते, और बस इसीलिए मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सुबह सुबह की धूप आती है ना तो थोड़ी देर के लिए मेरी किचन वाली खिड़की से होके निकलती है तो मैं बस उस टाइम पर ना अपनी खिड़की खोल ही देती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद देखिए, किचन का काम करने के बाद आज मुझे मशीन भी लगानी थी तो मैं आ गई थी। बस नहाने से पहले ना मैं मशीन लगा दूंगी। और देखिए, जब मैं नहा कर आई हूँ ना तो मैं ना एक्चुअली भूल ही गई थी, क्योंकि सुबह मैं मसाले वगैरह वो पलटने में लग गई थी ना,
तो अंदर बेडरूम में आई ही नहीं मैं, और मुझे ध्यान भी नहीं रहा। और एक्चुअली ना आज हस्बैंड भी सुबह किसी काम से थोड़ी देर के लिए गए हुए हैं, तो बस मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, मैं अंदर नहीं आई। और अंदर आके अब नहा के आके देखी हूँ ना, तो बिस्तर पड़े हैं, तो बस मैं उन्हीं को फोल्ड कर रही हूँ। और अब पूजा वगैरह करने के बाद ना मैं सीधा किचन में आ गई हूँ, और बस मैं अब हस्बैंड भी आते ही होंगे, तो मैं अब नाश्ते की भी तैयारी करूँगी साथ साथ, और लंच भी रेडी करती जाऊँगी, कोशिश कर रही हूँ। और मैंने ना एक्चुअली एक अमरूद खा लिया था अभी, तो बस मेरा ये हल्का सा अभी ब्रेकफास्ट हो गया है, तो ये वाला काम मेरा किचन का हो जाएगा ना। तो फिर मुझे कपड़े भी, मेरी मशीन लगी हुई है तो मुझे कपड़े भी धोने हैं, और फिर ना मुझे सायका को लेने भी जाना है। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा ये वाला काम हो जाएगा ना, तो सायका का लेके आने का टाइम होने से पहले मेरे कपड़े भी धो दूंगी, तो टाइम से सूख जाएंगे। ये ना 3 बजे का टाइम हो रहा है, और मैं सायका को स्कूल से लेके आ गई हूँ, और बस उसके आने के बाद मैंने उसको खाना वाना दे दिया था चेंज करा के, और वो अपना टीवी देख रही हैं अभी, थोड़ी देर टीवी देखेंगी। और जब तक ये जो बर्तन सूख गए ना, तो मैं उनको बस सेट कर रही हूँ यहाँ पे। और इसके बाद ना बर्तन सेट करने के बाद मैं थोड़ा सिंक में जो मेरे बर्तन हैं वो भी मैं साथ साथ धो के रख दूँगी। तो जी मेरे कपड़े भी सूख गए हैं, मैं लेकर आ गई हूँ छत से कपड़ों को, और अब मैं बस इन्हें फोल्ड करूँगी और जगह पे सेट कर दूँगी। अभी मैं और सायका अकेले ही हैं घर में, योगा भी नहीं आया है, और बस फिर मैं और सायका थोड़ी देर गपशप करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे, और फिर इसी के साथ फ्रेंड्स वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अपनी इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स, नई वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू। Oh.